नमस्कार मित्रों, 87th एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। श्री आसरदास भूतपूर्व कॉरपोरेटर नगर पालिका कानपुर। पूज्य स्वामी लीलाशाह महाराज जी के बारे में मैं पहले से ही काफी कुछ जानता था, परंतु उनका दर्शन पहली बार कानपुर में 1954 में हुआ, जब मेरे मकान के मुहूर्त के शुभ अवसर पर पधारे थे। उनका दर्शन करके इतना आनंद आया जिसका वर्णन नहीं कर सकता। मैं वह अवसर भूल ही नहीं पा रहा हूँ। क्या तो उनका रहन सहन एवं पहनावा था, साथ ही उनका कितना बड़ा ऊंचा प्रचार था। उनके प्रवचन सुनते ही भीतर आनंद आ जाता था। पहले जब वे कानपुर आते थे तो जोगेश्वर मंदिर में ठहरते थे तथा मैं भी उनके दर्शन करने वहां जाता था। उनका भोजन सादगी भरा हुआ सत्वगुणी होता था। मैं उनकी संगत में महसूस करता था कि उनमें नाम मात्र भी अहंकार नहीं है तथा विशाल प्रताप वाले महान योगी हैं। कानपुर में 2 बार वेदांत प्रचार सम्मेलन उनके शिष्य स्वामी मनोहर दास जी के प्रयास से हुए। एक सम्मेलन मोती झील में हुआ था, उस सम्मेलन में मैं वाइस प्रेसिडेंट था। वहां जो ठाट बाट के बंदोबस्त किए गए थे उसे देखकर मैंने स्वामी मनोहर दास से कहा कि इसे देखकर स्वामी जी सम्मेलन में आएंगे ही नहीं। हुआ भी ऐसा ही, स्वामी जी नहीं आए। वे दिखावे के खिलाफ थे। पूज्य स्वामी जी को मेरा नाम तो नहीं आता था, वे मुझे बिस्कुट वाला कहकर पुकारते थे, क्योंकि मैं कानपुर में बिस्कुट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हिस्सेदार हूँ। एक दिन मैं पूज्य स्वामी जी से मिलने के लिए सेठ छताराम नारायण दास के मकान में गया। वहां क्या देखता हूँ कि स्वामी जी नीचे फर्श पर बैठे हुए हैं। मैंने उन्हें निवेदन किया कि अंदर पलंग आदि पड़े हैं, वहां चलकर बैठिए। वे एकदम मुस्कुराकर कहने लगे, भाई पूरा बोझा तो जमीन पर ही है। क्या तो उनके ऊंच विचार, सादगी भरा रहना, नम्रता आदि थे। ऐसे महात्मा को हम कैसे भूल सकते हैं। धन्यवाद।